शोले फिल्म की तर्ज पर नगर खनियाधाना में आज एक ग्रामीण युवक द्वारा समस्त कानूनी प्रक्रिया का माखोल उड़ाया गया। पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या का नाटक किया गया और सोशल मीडिया एवं न्यूज़ चैनलों द्वारा उस युवक को लाइव दिखाकर व न्यूज़ के माध्यम से दिखाकर एक गलत तरीके का माहौल निर्मित किया गया, जिससे कि युवक पीढ़ी में अपने आप को दिखाने के लिए और लोगों की नज़र में आने के लिए एक नए तरह का रास्ता दिखाने का प्रयास सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। खनिया थाना क्षेत्र में अधिकांश युवा इस तरह की मानसिकता से ग्रस्त हैं और भविष्य में ऐसा हो सकता है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खनिया थाना के और भी कई युवा इस तरह की हरकत कर सकते हैं। प्रशासन को इस हरकत को संज्ञान में लेना चाहिए था और उस युवक को उचित दंड देना चाहिए था, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उस युवा को कानून का उपहास उड़ाने के बावजूद बेकसूर बनाकर छोड़ दिया गया, जिससे कि अन्य युवाओं में भी ये मैसेज गया कि वह भी इस तरह की हरकत कर सकते हैं जो भविष्य के लिए बहुत ही कष्टप्रद साबित हो सकती है। सुरेंद्र रुदी है और ये 21 साल करीब का है, भदौली का रहने वाला है और ये किसी लड़की से एक तरफा प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है। उस लड़की के माता पिता और उस लड़की को अपने बुलाया है, सूचना दी है उसको और उसके लड़के अगर तैयार होती तो उसकी शादी करवा देंगे और बाकी आने पर उसको उचित लगानी चाहती है। सर, इस तरह से अगर युवक इस तरह की हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं अन्य युवाओं में भी ये मैसेज पहुंचता कि ऐसी तरह की कार्रवाई करके वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो इस बारे में आपने कभी थोड़ा सा प्रक्रिया की है आपने? नहीं, इस बारे में हमारी एडीएम साहब से बात हुई है कि जिले में सभी टंकियों पर गेट और जाली लगवाएंगे, ऐसा एडीएम साहब से मैंने अनुरोध किया है तो उन्होंने आश्वस्त किया मुझे कि जो मैं कलेक्टर साहब से बात करके जिले की सभी टंकियों इस तरह की व्यवस्था कराएंगे कि गेट लगा के उसमें जाली लगाएंगे, इस तरह की आदमी छाटी सुरक्षा के लिए और दूसरा वो बच्चे के आने पे हम उससे बात करके उसमें उचित जो कार्रवाई करेंगे वो करेंगे। उस युवा के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अभी बच्ची के आने पर क्लियर होगी कि क्या कार्रवाई होगी।